रोहे आधा तीस करोड़ देवी देवता चिड़ रे अंग में समान सेवा कर लोग मां तेरी कष्ट पीड़ा दूर हो जा आज के कार्यक्रम की पूरी लाइव हो रही है और मैं हमारे वीडियो शूट करने वाले भाई साहब से निवेदन करती हूँ, ये भजन में प्रथम बार गा रही, पहली बार गा रही हूँ और इसे आप अच्छी तरह से शूट करें, आपके काम में ध्यान दें, धन्यवाद। कटती काया रे पुकार सांभर जो वीरा कटती काया रे पुकारो कद सूहे काया खटरी घर में भेजा थारी झुकती कद सूहे काया खटरी घर में भेजा थारी झुकती नीचे निज रासू मैती भा कटती काया री पुकार संभल जो वीरा कट से काया री पुकार कद सूहे काया खटरी घर में भेजा थारी झुकती कद सूहे काया खटरी घर में भेजा थारी झुकती नीचे निज रासू मैती भा बोले कौ मात की ताली बजाएंगे हो पढ़लो रे वेद पूरा बतलायो संतो पढ़लो रे वेद पूरा पहली तो जननी माता दूजी आधरणी माता पहली आजननी माता दूजी तो धरणी माता गौ गंगा ने अंबा मां कटती काया रे पुकार सांभर जो वीरा कटती काया रे पुकार कद सूहे काया खटरी घर में भेजा थारी झुकती नीचे निज रासू मैती भा जय गो माता और हम ऐसा सोचते हैं गौ माता को हम पशु की श्रेणी में गिनते हैं, हम लोग गौ माता को पशु की श्रेणी में गिनते हैं लेकिन गौ कोई पशु नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत
स्वामी विवेकानंद विदेश में गए, तीन चार अंग्रेजों ने स्वामी विवेकानंद जी को एक प्रश्न पूछ लिया उनकी परीक्षा लेने के लिए। उन अंग्रेजों ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि कौन सा पशु, कौन सा जानवर सबसे उत्तम दूध देता है, तो आप और हम क्या कहेंगे? कौन सा पशु सबसे उत्तम दूध देता है, आप क्या कहोगे? गौ माता। गाय का दूध सबसे उत्तम है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने तुरंत जवाब दिया और उन अंग्रेजों को कहा कि सबसे उत्तम पशु का जो दूध है वो भैंस का है। तो अंग्रेज हंस पड़े और हंसकर स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि वाह स्वामी जी, वाह विवेकानंद जी, आप पूरे भारतवर्ष में घूमते रहते हो, पूरे विदेश में आप प्रचार करते रहते हो कि गौ जो है हम उनकी पूजा करते हैं और गौ का दूध सबसे सर्वोत्तम है। और जब हमने ये बात आपसे पूछी तो आपने ऐसा जवाब दिया कि भैंस का दूध सबसे उत्तम है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि मेरे जवाब में कोई फर्क नहीं, लेकिन तेरे प्रश्न में गलती है। मेरे जवाब में कोई फर्क नहीं, लेकिन तेरे प्रश्न में गलती है। आपने हमें पूछा कि कौन से पशु का दूध, कौन से जानवर का दूध सबसे उत्तम है, लेकिन हम, मैंने कहा वो पशु भैंस है जिसका दूध उत्तम है, लेकिन हम गाय को पशु नहीं गिनते हैं। गाय तो हमारी माता है और गाय का दूध सर्वोत्तम है, चाहे वो जननी माता हो चाहे वो गौ माता हो। बोले गौ मात की पशु नहीं गौ मा, बतलायो संतो पशु नहीं गौ मा, ओ तीवरो वासिन में तारे भौत्रास पल में, तीवरो वासिन में तारे भौत्रास पल में, पूजा भी तिरणी कर दी पाहा, कटती काया रे पुकार सामने जो वीरा, कटती काया रे पुकार। गौ माता की, बोले भारत माता की, बिलके है काया कड़चुक साई का, ओ चारा पानी ने तरसी भूखी आ प्यासी भटकी, चारा पानी ने तरसी भूखी आ प्यासी भटकी, कोई ना ले भी सिंभा, कटती काया रे पुकार, गौ माता राक्षस बनो इंसान, हो राक्षस बनो इंसान, खावण ने लागो गौ माता रो मास, हो बड़ बड़ तो पानी ढूंढे ऊभी आदि ने चीरे,
बड़ी बड़ी तो पानी ढूंढी उठी आड़ी नीची आरा खाली हाड़ी कटती गायारी पुकार। राणिया देसी पुरा में बंदे गौ मात्रम एक शाम गौ माता के नाम आयोजित की गई है। हम सभी लोगों ने मिलकर गौ के प्रति गौ दान किया है। जितने भी गौ के यहाँ पर भक्त बैठे हैं, आज की ये कार्यक्रम अपने आप में एक सफल हुआ है। बहुत ही सुंदर आज का ये कार्यक्रम रहा है, क्योंकि आप इतनी तादाद में अभी तक विराजमान हो। हमारे हेमराज जी गोहिल की भी हाजिरी बाकी है। मैं निवेदन करती हूँ इस गौ माता की पुकार में एक बार आप सभी लोग गौ माता की जयकार अपने दिल की आवाज के साथ ही आप लोग वेदना के साथ जय गौश माता जी की लगाएंगे। गौ मात की बोले गौ मात की जाग हिंदू अब जा। जो जो भी हिंदू है गौ माता के प्रति आप बिल्कुल जागरूक है। इसे सभी हिंदू एक बार दोनों हाथ उठाएंगे गौ माता की इस लाइन में, क्योंकि आपके घर में जब बेटी और माँ के सामने कोई आंख उठा के देखता है तो हम उसकी आंखें नोच लेते हैं, और जब बात गौ मात की आते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन पीछे नहीं हटना है, ऐसी भजन संध्या रखवाने से कुछ नहीं होता है, ऐसी राशि दान करने से कुछ नहीं होता है। आप सभी लोगों को प्रण देना है और गौ की रक्षा करनी आज ये कार्यक्रम में। तो कौन कौन गौ की रक्षा करे एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग जाके हिंदू भी जा कहीं जो भी बाटा नहीं होशी अवता हो करनो तो खुद ही करनो काया रे खातिर मरनो करनो तो खुद ही करनो काया रे खातिर मरनो कर लो काई शेरुआ कटती कायारी पुका सभड़ जो वीरा कटती गायारी पुका गट सूहे काया घटरी धर में थे जा थारी झुकती गट सूहे काया घटरी घर में थे जा खड़ी झुकती ओछी निज रासु में ती भागा हिंदू संस्कृति में वेद पुराण में ब्राह्मणी कन्या और गौ माता ऐसा कहा गया है कि इन तीनों को आप कभी दुख नहीं दें। ब्राह्मण कन्या और गौ माता इन तीनों को आप कभी दुख नहीं दें, क्योंकि इनका अगर श्राप अगर इनकी हाय लग जाती है तो 33 करोड़ देवी देवता भी इसे टाल नहीं सकते हैं। तो कहा ब्राह्मण कन्या ने गौ मां हथियारों लागे घोर नरक में कुंडी जा ओ उदैसी भजन गायो भारत में जाए सुनायो। उदय सिंह जी राजपुरोहित जो सूर्यनगरी जोधपुर के, उन्होंने ये भजन की रचना की लिखी और जसोल में पहली बार उन्होंने गाया था गौ माता के कार्यक्रम में मुझे ये रचना, क्योंकि ये कंपोजिशन गुजरात का है, तोरादे रानी का ये भजन है और ये कंपोजिशन गुजरात में से ली हुई और मेरी बहुत ही प्यारी धुन है, इसीलिए मैंने आज ये गौ माता की पुकार इस धुन के ऊपर सूर्यनगरी जोधपुर से उदय सिंह जी राजपुरोहित की लिखित रचना मैंने गाई है। उदेसी भजन गायो भारत में जाए सुनायो उदेसी भजन गायो
राजस्थान में जाए सुनायो राष्ट्रीय माता रो मिल जो कटती गाया रीप का सांभड़ जो हीरा कटती गाया रीप का कद सूहे गाया खतरी घर में थे जा थर झुकती नीची निज रासू मैं ती भागा और ये गौ माता की पुकार के साथ साथ जोग भारती जी बाबू जी के गांव से देवकी से उनके साथ जो आए हैं उनकी कब से ये रचना गाने का मुझे आदेश मिला है, शायद बाद में मौका मिले नहीं मिले, एक स्थायी कंत्रा में गा देती हूँ, देशभक्ति की रचना है।